मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है कारगिल विजय दिवस, बिहार के 18 सपूतों ने दिया बलिदान। 10 लाख नए किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। बिहार बीएड एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट जारी, जल्द करवाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। खुश हो जाइए, कृषि विभाग में बंपर वैकेंसी, बीपीएससी की तरफ से लिया जाएगा एग्जाम। भारतीय टीम के नए हेड कोच को लेकर शुभम गिल का बयान, 10 लाख नए किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। नीतीश कुमार के तरफ से एक नई तैयारी, बिहार सरकार इस साल 10 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराएगी, इसलिए इसकी पुष्टि कर दी गई है। इसकी पुष्टि खुद कृषि मंत्री मंगल पांडे ने की। दरअसल विधानसभा में जुड़े इस प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी गई है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बैंकर्स कमेटी के बैठक में सभी बैंकों को यह निर्देश दिया गया है, राज्य के इच्छुक और साथ ही योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने को लेकर सरकार संकल्पित है। वहीं मौजूद डेटा के हिसाब से कृषि कार्य के लिए 38.76 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। बिहार बीएड एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट जारी, जल्द करवाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बीएड में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास खबर, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी। सीईटी बीएड 2024 में रजिस्ट्रेशन करवा चुके अभ्यर्थियों मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। लिस्ट में आए स्टूडेंट अपना एडमिशन के लिए 9 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट 13 अगस्त तक जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर अपडेट रहने की सलाह दी गई है। वहीं थर्ड लिस्ट 29 अगस्त तक जारी किया जाएगा। किसानों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, आवश्यक कार्रवाई किए दिए निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार के किसानों को दिए बड़ी राहत। बिहार के किसानों को डीजल अनुदान और साथ ही 24 घंटे बिजली मिलेगी। इस मुख्य विषय पर खुद सीएम ने अधिकारियों को इस संदर्भ से जुड़े महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कई जिलों में आए वज्रपात की स्थिति को देखते हुए हर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सीधे 8 घंटे की जगह 14 घंटे की बिजली आपूर्ति करवाई जाएगी। साथ ही साथ इच्छुक किसानों के लिए डीजल अनुदान और करवाया जाएगा। आज है कारगिल विजय दिवस, बिहार के 18 सपूतों ने दिया बलिदान। पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 26 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में मिली जीत और हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी के लिए समर्पित है। पूरे देश में कारगिल दिवस के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है। पाकिस्तान के क्रूर सैनिक ने कारगिल की बर्फीली पहाड़ पर 18,000 फुट की ऊंचाई से भारत के वीरों और हमारे भारत को चुनौती दी थी। 2 महीने चले इस युद्ध में 527 वीर सैनिकों ने बलिदान दिया। इतना ही नहीं, 1400 वीर सैनिक घायल हुए। वहीं हमारे वीर सैनिकों ने जीत हासिल की और साहस और भक्ति का परिचय दिया। खुश हो जाइए, कृषि विभाग में बंपर वैकेंसी, बीपीएससी की तरफ से लिया जाएगा एग्जाम। कब होगी परीक्षा जाने, बिहार लोक सेवा आयोग ने 318 पदों पर वैकेंसी निकाली है। यह वैकेंसी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी बीएचओ के लिए है। उसकी परीक्षा 12 से 13 अगस्त को होगी। वहीं आईटीआई को उपप्राचार्य की परीक्षा 2 अगस्त को होगी। इस बात की जानकारी बीपीएससी अध्यक्ष रवि भाई परमार ने दी है। दरअसल परीक्षा में कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अधिकारी परीक्षा के कुल 318 पदों के लिए कुल 17,577 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 81 पद और महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित है। ये भर्तियां बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यान निदेशालय की ओर से है।
बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र काफी गहमा गहमी के साथ रहा। स्पीकर नंद किशोर यादव का फूटा गुस्सा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष द्वारा काफी हंगामा पूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा है। ऐसे में आरजेडी सहित विपक्षी दलों के विधायकों पर सभापति नंद किशोर यादव काफी आक्रोशित नजर आए। शुक्रवार को विपक्षी दलों के विधायकों के भारी हंगामे पर स्पीकर नंद किशोर यादव जोरदार गुस्सा दिखाए, साथ ही चेतावनी भी दे दिए। विपक्षी कोटे में बैठे राजद विधायक टेबल उठाने की बात कर रहे थे। इस पर स्पीकर ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए कहा, हिम्मत है तो टेबल उठाएं। धमकी देते हैं कि टेबल उठाएंगे, हिम्मत है तो टेबल उठाएं, तुरंत बाहर कर देंगे। स्पीकर नंद किशोर यादव ने कहा कि आप राजद की कहीं ना कहीं भूमिका बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना एम्स में होगी किडनी ट्रांसप्लांट की सुचारू रूप से सुविधा, जाने कब से होगी शुरुआत। बता दें पटना एम्स में बड़ी सौगात, अगले माह यानी अगस्त से किडनी प्रत्यारोपण की होगी शुरुआत। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना एम्स को किडनी ट्रांसप्लांट की इजाजत दे दी है। जानकारी देते पटना के कार्यकारी निदेशक और CEO डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने कहा, जल्द ही अगले माह अगस्त तक प्रत्यारोपण की शुरुआत होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक कई डॉक्टरों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर ली है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली टीम में डॉक्टर कमलेश गुंजन, डॉक्टर विपिन चंद्रा, डॉक्टर अवधय कुमार और डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर उपासना सिन्हा, डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर जुटांग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एंथीसियोलॉजी विभाग किडनी प्रत्यारोपण के लिए महत्वपूर्ण है। खनन विभाग चलाएगा सख्त अभियान, अधिक बालू स्टॉक करने पर होगी कार्रवाई। बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने बालू माफियाओं को दिया अल्टीमेटम, बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने का दिया आदेश। दरअसल सरकार बालू स्टॉक के रूप में कर रहे कालाबाजारी को रोकने के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध अभियान चलाने जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि विभाग के बालू भंडारकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार अनुमानीय वार्षिक कैंपिंग में से 4 महीने की मानसून अवधि के लिए समानुपातिक बालू की मात्रा पर्याप्त करे। विजय सिन्हा ने आदेश देते हुए कहा है कि अवैध बालू खनन करने वालों पर निगरानी रखी जाए। अधिकारियों के नाम पर हो रही ठगी, ताजा मामला आया सामने। व्हाट्सएप के जरिए की जा रही है ठगी। इतना ही नहीं, साइबर अपराधियों ने अपनाया नया तरीका, अधिकारियों की तस्वीर लगाकर व्हाट्सएप के माध्यम से रुपए ठग रहे हैं। एक नया ताजा मामला, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा की DG शोभा ओहटकर से जुड़ा है। साइबर अपराधियों ने इस बार DG शोभा ओहटकर की तस्वीर लगाकर व्हाट्सएप के माध्यम से उनके कार्यालय स्टाफ से राशि की मांग की है। मामला संज्ञान में आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके पूर्व अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की तस्वीर लगाकर भी साइबर ठगी का मामला सामने आया था, जिसकी प्राथमिकी EOU में दर्ज की गई थी। पटना के सड़कों पर PT टीचर पर पुलिस ने की लाठीचार्ज, सड़कों पर उतर कर रहे थे वेतन की मांग। PT टीचर सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक संघ की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा था। 200 की संख्या में PT टीचर एकजुट हुए थे। वहीं विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, जिसकी वजह से क्षेत्र में धारा 163 लागू है। वहीं शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के अंतर्गत STET 2019 का आयोजन किया गया था, जिसमें शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली के लिए परीक्षा ली गई। वहीं मौजूद पुलिस ने विरोध जता रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया। टीचरों ने आरोप लगाया कि उन्हें दौरा दौरा कर मारा गया। महिलाओं को भी पुलिसकर्मी धकेलते हुए नजर आए। PT टीचरों का कहना है कि वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है और वहीं जॉब परमानेंट करने की मांग उठा रहे थे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने डॉक्टर दिलीप जायसवाल। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 16 माह रहे सम्राट चौधरी की जगह लिए 61 वर्षीय दिलीप जायसवाल, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। बता दें आपको, गुरुवार देर रात राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने एक वैश्य समाज से आने वाले दिलीप
जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपा है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल पिछले कई दिनों से बीजेपी के वरिष्ठ आला कमान से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे। दिलीप जायसवाल खगड़िया के मूल निवासी हैं, तीसरी बार विधानसभा पार्षद हैं और इतना ही नहीं कई वर्षों से प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष रहे। वहीं डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कही बड़ी बात। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी मेरे नेता हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, सभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद। लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर खूब बरसी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से सम्राट चौधरी को हटाकर बिहार सरकार ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है, जिस पर रोहिणी आचार्य ने दिलीप जायसवाल को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई, अब हेकड़ी लंपटी और बदजुबानी बड़बोलापन का बच्चा कुचा भूत भी उतर जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा मेदांता में लिए अंतिम सांस। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभात झा अब हम सभी के बीच नहीं रहे। प्रभात झा गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रभात झा मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले के कोड़ियाही गांव के रहने वाले थे। बीजेपी को गठित करने में इनका काफी योगदान रहा। भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी वह काबिज रहे। जून महीने के आखिरी में ही एयरलिफ्ट पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इस दुख की घड़ी में बिहार के कई दिग्गज राजनेता ने भी दुख व्यक्त किया। जदयू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का हृदयाघात से निधन हो गया था। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी अंतिम पल गुजारे हैं। वह इस्लामपुर के विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजीव रंजन झारखंड और छत्तीसगढ़ के विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजीव रंजन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। वे पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद के दामाद थे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने राजीव रंजन के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। भारतीय टीम के नए हेड कोच को लेकर शुभम गिल का बयान। भारतीय टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर बनाए गए हैं। ऐसे में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी शुभम गिल ने नए हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बयान दिया है। शुभम गिल ने कहा कि गंभीर के विचारों में स्पष्टता है। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 से पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए गिल ने आगे कहा कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और उसी अंदाज में प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद है कि नए कोचिंग स्टाफ के साथ भी कामयाबी मिलेगी। आगे गिल ने बताया कि पहली बार गंभीर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन दो नेट सत्र में ही पता चल गया था कि उनके विचारों में काफी स्पष्टता है। उन्हें पता है कि किस खिलाड़ी के साथ उन्हें कब और किस पहलू पर काम करना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, रंजित मिश्र, तुलसी ऋषि देव, राज किशोर महतो, रवि कुमार राम, राकेश मिश्र, राम बाबू, संजीव कुमार, गोनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार सरकार द्वारा लाए जा रहे अलग अलग योजनाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।